से और ओकाडा जस्ट टू स्ट्राइक्स एंड यू गॉन नाउ सी मैं हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? एज आई लिव इन ब्रिट शैरो बोट्स आर हियर, सो एज आई गेस ये फाइट शैरो बोट्स के साथ है रॉन्ग क्रू, तो ये फाइट शैरो बोट्स के साथ है और इन शैरो बोट्स को हरा के फटाफट हमें रियल फाइट की ओर बढ़ना है जो कि मास्टर ओकाडा के साथ है। एंड यस, उसके पास है शैरो आर्टिसन का सिर जो कि बहुत ही ऑसम है और नेक्स्ट चैप्टर से मेरे पास भी होगा, सो फाइट में असली मज़ा तब से आने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के साथ और हम जल्द ही मास्टर को मैं इसको डॉच कर ही रहा था ताकि, पर लास्ट में इसने मुझे खींच ही लिया। बट एनीवे, मैं बस एक्साइटेड हूँ मास्टर ओकाडा के फाइट के लिए, क्योंकि जैसे ही क्रिटिकल डैमेज करेगा ओकाडा वैसे ही पीछे से एक शैडो बॉट भी अटैक करता है, तो इस फाइट में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मुझे दो लोग से लड़ना है एक साथ, एक ही से लड़ते हुए। अगर मैं शैडो बॉट्स को डोज नहीं करूँगा दो तीन बार तो मैं गया, और यहाँ पर शैडो बॉट हार चुका है फर्स्ट टाइम, सो मूविंग टू द राउंड टू। एनी शैडो बॉट्स आर नॉट दैट, दीज आर ऑल ईजी। नाउ इट्स टाइम टू यूज माई शैडो एबिलिटी, क्योंकि मैं शैडो बार ऑलरेडी फुल है, मैं मौका देखते ही शैडो यूज करूँगा। एंड यस, दिस इज द राइट टाइम एंड ही इज अ गोनर। वाओ, डिस्प्लेसमेंट का एबिलिटी कुछ ज़्यादा ही खास है, मज़ा आ गया। जस्ट टू शैडो स्ट्रोक्स एंड द एनिमीज एंड, आई लाइक दिस डिस्प्लेसमेंट आईडियो। डिवाइन जस्ट सेट के बाद मुझे जो रियल एक स्वॉर्ड अगर मुझे अच्छा लगता है वो है ये वाला, और इसका जो शैडो एबिलिटी है डिस्प्लेसमेंट काफ़ी खतरनाक है। ओके जून प्रिंसेस स्टेप बैक द मैन हु जस्ट कम आउट ऑफ द व्हील हाउस। ओके नाउ देयर इज अ नॉर्मल। ओहो मास्टर ओकाडा, ओ माय गॉड, इफ यू थिंक यू कैन इन्वेड माय शिप अटैक माय पीपल एंड गेट अवे बट द शिप इज माइन। अच्छा, तो मास्टर ओकाडा और कैप्टन फेंग के बीच में लड़ाई चल रही है और उस बीच में मैं जाऊंगा मास्टर ओकाडा को हराने। यू बेटर ट्रीट देम राइट एंड डू यू डेयर टू से माय से बोलो नेम अगेन। बोलो ने कितना टाइम ट्रैवल किया है पता नहीं, पर बोलो हर जगह टपक ही जाता है, वो पीछा छोड़ने ही नहीं वाला है, और उससे असली लड़ाई होगा चैप्टर 7 में। तो बोलो का फाइट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लेट्स गेट इनटू दिस फाइट मिस्टर ओकाडा, लीव माय शिप इमीडिएटली, मैं नहीं जाने वाला तुझे हराने के बिना। अभी अपने को लड़ाई में मजा आएगा। ओहो शैरो आया पीछे से, बचो बचो बचो, ओकाडा इज ओ शैरो, आई नीड टू गेट अवे विद दिस शैरो। ओके मिस्टर ओकाडा, तुझे समय नहीं मिलेगा मारने के लिए। वैसे मैं बेसिक अटैक से कर रहा हूँ फिलहाल, मैंने कुछ खास तो किया नहीं है, पर इस फाइट में थोड़ा थ्रिल की कमी है। यस, लेकिन थ्रिल है इसमें देखा जाए तो। ना ओकाडा ना, तुम गए अभी। वैसे अगर मैंने गलती किया तो मैं जाऊंगा। व्हाट द फ, यू विश टू कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करूंगा, समझ आया? मैं एक बार हारा हूँ लेकिन तू नेक्स्ट में हारने वाला है। एंड यू कैन सी माय शैडो इज फुल। और जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया वो साला अपनी अर्थी पे घर गया, एक फेमस डायलॉग है बॉलीवुड मूवी राउडी राठौड़ का, और मैं डरता नहीं इससे। और ओकाडा जस्ट टू स्ट्राइक्स एंड यू गॉन नाउ सी माई पावर, मुझसे लड़ने आया था, चला जा, तुझे असली मजा चखाता हूँ इस पर बिना शैरो एनर्जी के, दबा के मारूंगा तुझे, आ जा। इट सीम्स डेट यू इंसिस्ट, ऑफकोर्स आई इंसिस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस शिप टू यू, यू क्रैप। शैडो है तेरे पास तो क्या तू बाप बनेगा, आ जा। ओके मैं क्रेडिट देता हूँ कि तू अच्छा फाइट कर रहा है, बट इट डज नॉट मीन दैट यू कैन डिफीट मी, यू नीड अ लिटिल मोर मास्टरी। ओहो ये अनोइंग शैडो मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मुझे मूव करते रहना होगा क्योंकि शैडो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही अटैक कर सकता है, अगर मैं मूव करते रहा तो शैडो से मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं। और ये मेरा चांस है कि मैं इसे चांस ना दूँ, नहीं तो ये शैडो एनर्जी यूज़ करके मुझे टपका देगा, बस थोड़ा सा ध्यान और देना है।
नाउ मास्टर ओकाडा, क्या करोगे तुम? और ये लास्ट स्ट्राइक, हाउ आर यू ओकाडा? लीव माई शिप इमीडिएटली, यही बोला था ना, बी इन योर लिमिट। ओके सो वन मोर फाइट, हमें तीन राउंड जीतना होता है बॉस से, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और दिस टाइम एज यू गाइज हैव नोटिस्ड, आई एम गोइंग टू यूज माई शैडो एनर्जी एट इज फुल एक्टिव, बट इन द राइट मोमेंट, आई डोंट वॉन्ट टू रियून एनीथिंग। डिस्प्लेसमेंट एंड वन मोर शॉट, इरप्शन। ओकाडा बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले चैप्टर के अगले चैप्टर, मतलब तू कभी भी मिल, बाद में मिलते हैं। दिस टाइम आई वॉन द मैच एंड यू बेटर नो योर प्लेस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, चैप्टर 5 का पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल टू सी मोर अमेजिंग फाइट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।